दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और नए साल में भी आप सभी का स्वागत है। नहीं अभी कुछ टाइम बाकी है, एक्चुअली 7-8 दिन 10 दिन बाकी है मुझे मालूम है, लेकिन नए साल में जनवरी में कौन से स्मार्टफोन आने वाले हैं और कौन से आ सकते हैं, किनके आसार लग रहे हैं आने के, यानी लग रहा है कि आ सकते हैं वो सारे, ऐसे सारे स्मार्टफोन 30 के आसपास हैं, वो ब्रांड वाइज हम लोग देखेंगे कि हर एक ब्रांड में कौन कौन से स्मार्टफोन आ सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और हाँ इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको भी मिल जाएंगे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपकमिंग स्मार्टफोन जनवरी 2021। अब इसमें क्या है ना, पिछले 2 महीने में रियलमी ने कुछ किया नहीं है, तो उनका जो प्लान है 2021 के जैन का या फैब का कह लो, तो बहुत तगड़ा होने वाला है। हम फिलहाल जैन की बात करेंगे, फैब को नहीं लेंगे बीच में, लेकिन जो स्मार्टफोन लग रहे हैं कि जैन में आपको देखने को मिल सकते हैं उसमें सबसे पहली सीरीज आपकी होगी रियलमी X7 सीरीज, X7 और X7 प्रो। फिलहाल थाईलैंड वाली प्राइस ने सबको डरा दिया था, लेकिन कल एक प्राइस है जिसमें पता चला कि ये स्मार्टफोन जो X7 Pro है आपको 30,000 के आसपास मिल सकता है, 27-28 से 30,000 के बीच में, क्योंकि थाईलैंड की प्राइसिंग और इंडिया की प्राइसिंग में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 30% के आसपास का। उसके साथ X7 भी आएगा, वो भी कहा जा रहा है 20 से 25,000 के बीच में आपको मिल सकता है। तो X7 जो होगा 20 से 25 और 25 से 30 के बीच में X7 Pro कहा जा रहा है, देखेंगे जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। पहले 10 दिन में पॉसिबली लॉन्च हो सकता है जनवरी के। उसके बाद चलेंगे दूसरे सीरीज के ऊपर, तो ये है Realme Narzo 30 सीरीज। इसमें भी 3 स्मार्टफोन आने वाले हैं, 30A, 30 और 30 Pro। ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि जैन एंड होने से पहले तीनों लॉन्च हो जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि जो 30 Pro होगा वो कुछ लीक्स ऐसे रूमर्स बता रहे हैं, लीक्स तो नहीं है रूमर्स हैं। कहा जा रहा है कि जो चाइना में V5 आया था जो कि बाहर Realme 7 5G के नाम से आया हुआ था, वो स्मार्टफोन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 15-16 हज़ार की प्राइस के आसपास, Dimensity 720 के ऊपर, देखेंगे। बाकी अभी तक कोई ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आया नहीं है, जैसे आएंगे वैसे उनके बारे में बता दूंगा। उसके बाद तीसरे फोन्स की बात करें तो ये है Realme C20। इसके भी कुछ लीक्स आए थे, 12-13 हज़ार के आसपास प्राइस हो सकती है इसके भी, एंड उसी बजट को हिट करने वाला है, देखेंगे। अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लीक नहीं आए हैं, पॉसिबली हो सकता है ये फैब तक चला जाए, खींच जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल सकता है जैन में। चौथा Realme X60 सीरीज जो कि 5G फोन होगा, X50 का, ये फ्लैगशिप फोन्स होते हैं Realme की तरफ से, प्राइसिंग आपको 40,000 के आसपास हो सकती है। ये स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबली इंडिया में तो नहीं लेकिन चाइना में आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है लास्ट एंड होते होते आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाए। फ्लैगशिप सीरीज होंगे X60 वाले, X60 एंड X60 Pro, जैसे आएंगे उनके बारे में बता दूंगा, उसके बारे में ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, जैसे पता चलेगा उनके बारे में बता दूंगा। और लास्ट Realme 8 सीरीज, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, अभी ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, मुझे लगता है कि जैन में लॉन्च होगा, ये फैब तक जाएगा, लेकिन एक चीज़ है कि जैन एंड होते होते आपको इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा, यानी शायद सारे स्पेसिफिकेशन आ जाए। फैब में लॉन्च होगा, चांसेस ज़्यादा है कि फैब में जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको जैन में ख़त्म होते होते जैन इसके बारे में बहुत कुछ सुनने के लिए मिल जाए दोस्तों। अब अगली तरफ चलते हैं Xiaomi के सब ब्रांड्स, रेडमी, पोको, मी की तरफ। सबसे पहला स्मार्टफोन 20,000 की प्राइस के आसपास आ सकता है, Mi 10i जो कि Redmi Note 9 Pro 5G है, उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा, वो स्मार्टफोन आपको देखने को इंडिया में मिल सकता है। आपको मालूम है कि 5G फोन है एंड बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे, प्राइसिंग ज़्यादा कुछ मतलब AMOLED पैनल नहीं है, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होगा इसका, ऐसा प्राइस 20,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 19-20 हज़ार के आसपास, 16-17 हज़ार के आसपास कुछ चाइना में लॉन्च हुआ, तो 1-2 हज़ार आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तो 20,000 के नीचे देखने को मिल सकता है इंडिया में, देखेंगे जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। ये स्मार्टफोन आपको जैन 15 से पहले देखने को इंडिया में मिल सकता है। इसके बाद Redmi Note 9 5G जो आया था वो पॉसिबली कम चांसेस हैं कि जैन में आए, लेकिन कहा जा रहा है कि ये Redmi Note 9T के नाम से इंडिया में लॉन्च हो सकता है ये दोनों स्मार्टफोन। इवन Redmi Note 9 4G जो था तो ऑलरेडी आ चुका है Redmi 9 Power के नाम से, तो ये दोनों स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro 5G जो है वो Mi 10i के नाम से आएगा और Redmi 9T के नाम से आपको देखने को मिल सकता है Redmi Note 9 5G जो है। ये दोनों स्मार्टफोन का वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगला स्मार्टफोन पोको की तरफ से होगा, पोको M3। ये स्मार्टफोन बाहर भी लॉन्च हो चुका है, 3-4 जगह लॉन्च हो चुका है, आपको मालूम है Redmi 9 Power जो है उसी को रीब्रांड करके लाने वाले हैं, थोड़ा डिजाइन में चेंज होगा एंड 1-2 चीज़ें और चेंज होंगी, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
बाहर ट्रिपल है, यहाँ पे हो सकता है क्वाड हो, वो एक चेंजेस हो सकता है। प्राइसिंग उसकी आपको 11,500-12,500 के आसपास आ सकती है। 6GB रैम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल सकता है उसमें, देखेंगे जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा। ये स्मार्टफोन पोको M3 भी आपको जैन में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी लिस्ट हुआ था। उसके बाद रेडमी K40 सीरीज, K30 सीरीज का सक्सेसर चाइना में लॉन्च होगा, इंडिया में नहीं, चाइना में लॉन्च होगा, और पॉसिबली उसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल जाए आपको इंडिया लॉन्च के बारे में, जैन एंड होने से पहले पॉसिबली, क्या पता वो पोको के नाम से आए बाद में या किसी और नाम से आए, लेकिन आपको सुनने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। इंडिया में नहीं लॉन्च होगा, क्लियर कह दूं, रेडमी के 40 सीरीज जैन में तो इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, उसके बाद कब आएगा जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन आपको इसको सुनने के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। दो फोन्स, एक पोको का स्मार्टफोन कोई और आ सकता है कहा जा रहा है जैन एंड होने से पहले, 20,000 के आसपास की प्राइस का शायद 5G फोन हो या कोई फोन हो, ये स्मार्टफोन भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। ये अभी रूमर्स हैं, इसके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पोको की तरफ से एक दो जगह पे एक स्मार्टफोन लिस्ट भी हुआ था पोको का, क्या पता वही हो सकता है, बैटरीज उसके लिस्ट हुए थे 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे और दो तीन जगह पे। चलिए देखेंगे जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन लीक्स आ रहे हैं, रूमर्स आ रहे हैं कि एक पोको का स्मार्टफोन जैन एंड होने से पहले 20,000 के आसपास की प्राइस का शायद आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि Redmi Note 10 सीरीज का क्या होगा। Redmi Note 10 सीरीज आपको फेब या मार्च में देखने को मिलेगा, जैन में देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। अब आते हैं Samsung की तरफ। Samsung की तरफ से दो स्मार्टफोन थे जो लॉन्च होने चाहिए थे दिसंबर में, अभी भी 7-8 दिन बाकी है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नहीं लॉन्च हुए। कहा जा रहा है कि ये दोनों स्मार्टफोन आपको पॉसिबली जैन में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है Samsung Galaxy M12 या M12S। ये आपको Exynos 850 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, HD+ का डिस्प्ले होगा, वाटरड्रॉप नॉच के साथ आएगा, क्वाड कैमरा रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। प्राइसिंग इसका 10,000-12,000 के बीच में होगा, आ सकता है जैन एंड से पहले आपको देखने को मिल सकता है इंडिया में, देखेंगे। अब M12 नाम होगा, M12S नाम होगा, जो भी नाम होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। दूसरा स्मार्टफोन है M42। ये स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा कुछ आया नहीं है, लेकिन FCC पे इसका 6000mAh की बैटरी जो थी वो लिस्ट हुई थी, एंड बाकी और कुछ खास इसके बारे में पता नहीं चला कि कौन सा चिपसेट आएगा, कौन सा चीज़ होगा। पॉसिबली 720G के ऊपर है ऐसा कहा जा रहा है, देखेंगे जो भी होगा जैसे होगा वैसे पता ही चलेगा, लेकिन ये स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल सकता है जैन में एंड होने से पहले। तो M सीरीज के ये दो फोन्स हैं, इसके बाद एक F या M सीरीज का टैबलेट M62 या F62, दोनों नाम से लोग लिस्ट हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा है, अलग अलग सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, तो वो भी देखने को आपको मिल सकता है। F62 का टैबलेट स्मार्टफोन तो नहीं होगा, टैबलेट होगा, ये स्मार्टफोन भी आपको देखने को, या टैबलेट कह लो, देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं S21 सीरीज जैन में आने वाली है, लेकिन ये सीरीज शायद आपको फरवरी में देखने को मिले पॉसिबली, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैन में आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्च जो है S21 सीरीज का फेब में होगा। Exynos 2100 जो है फ्लैगशिप चिपसेट उसके ऊपर आने वाला है, प्लास्टिक बैक रहेगा, ये याद रखना है, इस बार सारे जितने भी उसमें जितने भी सीरीज में जितने फोन आएंगे सब में प्लास्टिक बैक रहेगा। एस पेन का सपोर्ट आने वाला है एस सीरीज में, चलिए अच्छी बात है, एस सीरीज एस पेन आपको एटलीस्ट मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। ये स्मार्टफोन लेकिन आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। अब आते हैं मेन ए सीरीज पे, बातें तो बहुत सारे फोन्स के बारे में हो रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि इसमें से दो फोन में से कोई एक फोन, एक Samsung Galaxy A32 5G जो है, जो कि आने वाला है Dimensity 720 के ऊपर, वो स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है जैन एंड होने से पहले, और एक स्मार्टफोन जो बाहर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है A42 5G, ये स्मार्टफोन 750G के ऊपर है, HD+ का डिस्प्ले, थोड़ा बुरा लगा, तो ये स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल सकता है। इन दोनों में से कोई एक, चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक ही स्मार्टफोन आपको इंडिया में जैन में देखने को मिलेगा, अब वो देखते हैं कौन सा वाला स्मार्टफोन हो सकता है दोस्तों। अब आते हैं मेड इन इंडिया माइक्रोमैक्स की तरफ, इन स्मार्टफोन के दो फोन्स हैं, लीक्स बहुत कम है, पॉसिबली फरवरी तक चला जाए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जैन में लॉन्च होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन सीरीज के बारे में इतनी बातें हो रही हैं तो उनको भी फीचर कर लेते हैं। दो स्मार्टफोन इनकी तरफ से आ सकते हैं आपको जैन में एंड तक, जल्दी तो नहीं होंगे, एंड तक आपको देखने को पॉसिबली मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तो इन वन भी और इन नोट वन के चक्कर में पड़े, उनके सेल में प्रॉपर स्टॉक नहीं आ पा रहा है, तो देखना पड़ेगा कितना हो सकता है। लेकिन दो स्मार्टफोन, एक होगा इन नोट वन प्रो पॉसिबली, जो कि आपको G90T या G95 चिपसेट के ऊपर आएगा, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, जिसमें आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिसके बारे में वो लोग ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, वो वाला स्मार्टफोन आपको 13-14,000 के आसपास की प्राइस में मिल सकता है। एक स्मार्टफोन आपको 9-10,000 की प्राइस में मिल सकता है, जो अभी थोड़े दिन पहले लिस्ट हुआ था, जिसमें G80 का चिपसेट आ सकता है, कहा जा रहा है ये इन वन बी प्रो होगा, अब जो नाम होगा तो बाद में देखेंगे, नाम का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है,
लेकिन स्टिल दो फोन है, एक G80 चिपसेट के ऊपर आने वाला है जो कि 9,000 से 10,000 के बीच में प्राइस होगा, एंड दूसरा स्मार्टफोन आपको G95 या G90T वाला होगा जो कि 12,000-13,000-14,000 समझ लो प्राइस उसकी होने वाली है। जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। दो फोन नोकिया की तरफ से आने वाले हैं, पहला है नोकिया 3.4 जो कि आपको मालूम है स्नैपड्रैगन 460 के ऊपर आने वाला है, ट्रिपल रियर कैमरा होगा, HD प्लस का डिस्प्ले होगा एंड प्राइसिंग इसकी 10,000 से 12,000 के बीच में होने वाली है। ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है आपको जैन में। एंड दूसरा स्मार्टफोन जो सबसे ज्यादा इस टाइम चल रहा है चर्चा में, नोकिया 5.3 का सक्सेसर नोकिया 5.4 जो कि सक्सेसर एक्चुअली नहीं है, वही सेम स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट आने वाला है, HD प्लस का डिस्प्ले होगा पंच होल वाला, देन उसके साथ आपको सारी चीजें वैसी की वैसी मिलेंगी, क्वाड रियर कैमरा होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़े से कैमरास में अपग्रेड किया गया, बाकी और कुछ चेंजेस किया नहीं गया। इसकी प्राइसिंग 15,000 के आसपास की होगी या उससे थोड़ा सा कम, देखेंगे जिस प्राइस पे लेके आएंगे। ये दो स्मार्टफोन नोकिया 3.4 और नोकिया 5.4 ये दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को जैन में मिल सकते हैं नोकिया की तरफ से। 7.3, 8.3 और 9.3 वाले थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि मुझे कहीं से भी अभी चांसेस नहीं लग रहे कि जैन में लॉन्च हो इंडिया में। बाहर हो जाते हैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंडिया के चांसेस बहुत कम है। ओप्पो रेनो 5 सीरीज जो कि चाइना में लॉन्च होगा जल्दी ही, पॉसिबली हो सकता है कहा जा रहा है ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाए जैन एंड होने से पहले। दो फोन होंगे, ओप्पो रेनो 5 होगा जो कि 765 के साथ आने वाला है 5G चिपसेट जो है, एंड दूसरा वाला जो है वो प्रो वाला है, वो डायमेंसिटी 1000+ चिपसेट के साथ आने वाला है। और ये दोनों फोन कैमरा सेंटरी होंगे, प्राइजी होंगे थोड़े से, मतलब ज्यादा प्राइजेस होंगे, इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, कहा जा रहा है जैन एंड होने से पहले आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है दोस्तों। जैसे आएगा वैसे उसके बारे में भी बता दूंगा। Vivo की तरफ से अगला स्मार्टफोन आने वाला है Vivo V20 2021। अभी कल लिस्ट हुआ था इसका, कल या परसों लिस्ट हुआ था इसका चिपसेट, स्नैपड्रैगन 675 के ऊपर आने वाला है। तो कैसे अपग्रेड हुआ, 720G के ऊपर 2020 वाला आया था, तो 2021 अगर 675 के साथ आएगा तो अपग्रेड कैसे हुआ, मुझे नहीं पता क्या चेंज करने वाले हैं, लेकिन लिस्ट इसका जो चिपसेट हुआ था वो बता रहा था कि स्नैपड्रैगन 675 है। देखते हैं क्या प्राइस पे लेके आते हैं, पॉसिबली कम प्राइस हो, जो होगा देखा जाएगा, जैसे आएगा वैसे बता दूंगा। ये स्मार्टफोन आपको जैन में देखने को मिल सकता है, इसके लिस्टिंग्स हैं 2-3 जगह पे साइट पे लिस्ट हुआ था, Vivo V20 2021 स्मार्टफोन ये आ सकता है Vivo की तरफ से इंडिया में। अब उन स्मार्टफोन की बात करते हैं जिनके बारे में कुछ खास चर्चा तो नहीं, लेकिन बाहर लॉन्च हो चुके हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं बट आया नहीं अभी तक। सबसे पहले बात करते हैं मोटो की, मोटो G9 Plus बहुत सारे लोग पूछते हैं, अभी इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन बाहर लॉन्च हुआ है तो पॉसिबली इनको करना चाहिए इंडिया में लॉन्च, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैन में आपको शायद देखने को मिल सकता है G9 Plus। 730G का चिपसेट है, 15,000 के आसपास की प्राइस पे आएगा, फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, पंच होल वाला, ठीक ठाक मोटो के स्मार्टफोन जैसा दिखता है, क्वाड रियर कैमरा है, सब कुछ ठीक है। 15,000 के नीचे 730G अगर आता है तो ठीक रहेगा, उससे ऊपर आप लॉन्च करते हैं तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। देखेंगे मोटो किस प्राइस पे लेके आता है, 17,000 पे तो वो लोग 16-17,000 पे तो लेके आए थे मोटो 1 फ्यूजन प्लस उसी चिपसेट के साथ, आज से नियर अबाउट एक साल पहले, एक साल तो हो गया ना मोटो 1 फ्यूजन प्लस को, हो गया होगा, तो लेकर आए थे, इसका भी वेट कर लेते हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्फिनिक्स और टेक्नो की तरफ से, इन्फिनिक्स का नोट 8 सीरीज ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है, बाहर तो लॉन्च हो चुका है, कहा जा रहा है कि पॉसिबली ये इंडिया में आ सकता है, रूमर्स है, लीक्स नहीं है, तो रूमर्स को उतना सीरियस मत लेना, देखते हैं वेट कर लेते हैं। उसके साथ टेक्नो के साथ टेक्नो 16 प्रीमियर जो है, कैमोन 16 प्रीमियर, वो स्मार्टफोन भी आ सकता है इंडिया में, रूमर्स ये हैं, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, देखेंगे वेट कर लेते हैं। अब इनके पास कोई प्लान तो है नहीं, एंड पिछले एक महीने में कुछ ज़्यादा कुछ लॉन्च भी नहीं किया इन लोगों ने, तो हो सकता है जैन में कुछ ना कुछ करें। इंडिया ऐसी कंट्री तो नहीं जहाँ पे पहली बार कोई चीज़ लॉन्च करें, लोग ये लोग पहले केनिया नाइजीरिया पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं उसके बाद ही आती हैं। एक्सपेक्ट करते हैं किसी लॉन्च हुए फोन में से कोई लॉन्च होगा, यही फोन बचे हुए हैं आईविश की, इंडिया में कुछ ना कुछ ये दोनों में से कोई एक ब्रांड तो कुछ ना कुछ करेगा ही, लेट्स सी जैसे आएगा वैसे उसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। तो ये स्मार्टफोन होने वाले हैं, कौन से वाले का वेट कर रहे हो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोज उन्हें भी चेक कर सकते हो एंड मुझे सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर इमेज पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है पूछो, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे एंड आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है, सपोर्ट जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।